माना कि चित्र में एक परिपथ है, कोई भी सर्किट रहेगा उसे परिपथ है, परिपथ मतलब इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं। तो माना चित्र में एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी है और एक स्विच एस है जो कि खुला हुआ है, और जब स्विच एस को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है और विभवांतर V1, V2, V3 उत्पन्न होते हैं तथा प्रतिरोध R1, R2, R3 उत्पन्न होता है। फिर से एक बार सुनिए, हमने क्या बताया, मानक चित्र में एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी है और इसमें एक स्विच एस लगा हुआ है जो कि खुला हुआ है, जब स्विच एस को बंद किया जाता है तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है और विभवांतर V1, V2, V3 उत्पन्न होता है तथा प्रतिरोध R1, R2, R3 है, RN तक भी आप ले सकते हैं। तो ये आपको लैंग्वेज लिखने, उसके बाद आप देखिए दोस्तों, हालांकि यहाँ पर आपके चीज देखना है अगले पॉइंट क्या है, परिणामी विभवांतर। अब परिणामी विभवांतर ही की लिखा जाए क्योंकि यहाँ बैटरी विभवांतर भी है और यहाँ अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हुए हैं, तो क्या लिखे हम लोग, परिणामी विभवांतर या रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, परिणामी विभव या विभवांतर। तो आप क्या लिखेंगे, भी बराबर यहाँ पर भी बैटरी का हो गया, यहाँ पर V1, V2, V3, तो लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर देखिए दोस्तों कि अगर आपका परिणामी विभवांतर रहेगा तो भी बराबर V1 प्लस V2 V3, परिणामी धारा कहेगा जिस समानांतरीकरण सिद्ध करने लगेगा तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा जाएगा। अब देखिए चूंकि दोस्तों ओम के नियम, यहाँ पर इसको इक्वेशन आप 1 मान लेना, अब यह है क्या, ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखना भी बराबर आई आर या आई बराबर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आई बराबर भी बटा आर। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें भी का मान चाहिए, इसका मान चाहिए भी, क्योंकि हमारे इक्वेशन में क्या है, भी है, तो इस भी का मान इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी वर्ड लिखेंगे, फ्रॉम 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 में, तो ये भी है, देखिए भी का मान आपने लाया क्या, आई आर, तो जहां पर भी है वहां पर आई आर लिखिए, फिर सभी जगह आप आई आर चुपचाप लिखे जाइए और 1 है तो 1, 2 लगाते जाइए, तो यहाँ पर क्या हो गया आई आर, फिर क्या हो गया आई आर, फिर क्या हो गया दोस्तों आई आर। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1, 2, 3, तो इसमें भी लगा लेंगे 1, 2 और 3। अब देखिए दोस्तों इन तीनों में आई है, आई को क्या कर लेंगे कमन, तो यहाँ पर आपका आई आर है तो आई आर, आई को आप कमन कर लेंगे तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बराबर के दोनों तरफ सेम से सेम राशि कट जाती है तो आई आई क्या होगा, कट जाएगा, तो आपके पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है R की जगह हम लिखेंगे RS, तो थोड़ा एक लैंग्वेज आप लिखना पड़ेगा, यदि समतुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल, समतुल्य मतलब टोटल होता है, यदि समतुल्य प्रतिरोध आर एस हो तो आर एस बराबर क्या हो जाए, बस ये आर की जगह क्या हो जाएगा, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, क्या हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। अब यहाँ पर आप लिख एक लाइन भी लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के युगफल के बराबर होता है। और इतना दोस्तों अगर आप लिख देते हैं तो यकीन मानिए आपको 5 मार्क्स में अगर आता है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी। अब हम जो जानेंगे समानांतर क्रम, अब हम देखेंगे समानांतर क्रम संयोजन की पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोधों का, तो आप हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इंग्लिश में इसको आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं या इसे पार्श्व क्रम भी हिंदी में कहा जाता है। तो है क्या, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा जाता है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे कर, तो उसे समांतर क्रम का संयोजन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर जुड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम का संयोजन कहा जाता है। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको एक सर्किट बनाने हैं, इसमें भी आप ऐसे एक पॉइंट ले लीजिएगा, इसको आगे ऐसे 3 पॉइंट खींचिए, 3 रेजिस्टेंस लगाने के लिए आप 4-5 भी खींच सकते हैं, फिर इन पॉइंट को आगे बढ़ाइए आसानी से, ठीक है, और यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लगा लीजिए, देखिए एक दूसरे के पैरेलल लगाना है ना, एक यही समांतर क्रम हो जाएगा,
फिर अपने रेजिस्टेंस को आगे बढ़ा लीजिए। आप ऐसे पानी कितना भी खींच सकते हैं, जरूरी है। और यहाँ से एक छोटा सा पानी ले लीजिए और इन दोनों बिंदुओं को एक बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए। पहला वाला पॉइंट बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर इससे बड़ा होता है। और इसमें आप लगा लीजिए एक स्विच। स्विच स्टार्टिंग आपका खुला रहेगा, यस। अब ये रेजिस्टेंस आप ले लीजिए, ये R1 हो गया, ये क्या होगा मेरे साथी R2, और इसके बाद आप R4 भी ले सकते हैं। ये हो गया R3, ठीक है। और ये आपका हो गया एक बैटरी, ये प्लस होता है और एक माइनस। बैटरी में सिंबल होता है प्लस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बैटरी का विभवांतर क्या होता है, V होता है। अब है क्या देखो दोस्तों, इसमें विभवांतर भी है। अब यहाँ पर हम स्विच एस को बंद करेंगे तो करंट क्या बहेगी, I बहेगी। तो यहाँ पर देखो तीन रास्ता है। अगर यहाँ पर करंट जाएगा ना, अलग रास्ता है, तो यहाँ I1 करंट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा I2, और फिर यहाँ पर क्या होगा I3 करंट होगी। और पूरे सर्किट में फिर आपका मान लीजिए ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो यहाँ तक तो करंट I1 I2 I3 रहेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा करंट क्या है I में बदल जाएगी। तो अब दोस्तों आपको है क्या कि एग्जाम में एक साइड पिक्चर बनाना और इधर एक साइड भाषा लिखना। क्या लिखोगे आप थोड़ा सा कि माना है जितने परिपथ है, कोई भी सर्किट है, ठीक है ना, या एक सर्किट है, ठीक है, चलो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होगा तो उसे हम लोग सर्किट लिखेंगे, जो व्यवस्था होगा। तो माना कि चित्र में एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी है और एक स्विच एस लगा हुआ है जो कि खुला हुआ है। इसके पहले भी आपने देखा, माना चित्र में एक क्या है, बैटरी है जिसमें एक माना चित्र में परिपथ है जिसमें एक बैटरी है और इसमें एक स्विच एस लगा हुआ है जो कि खुला है। और जब स्विच एस को बंद किया जाता है तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है और बिंदु ए पर जाकर I1, I2, I3 में बढ़ जाती है। बिंदु ए पर जाकर I1, I2, I3 में बढ़ जाती है और फिर बिंदु बी पर जब क्रॉस करती है तो पुनः I धारा में बदल जाती है। और प्रतिरोध R1, R2, R3 है। इसी बात के लिए फिर आप एग्जांपल सुनिए, माना के चित्र में एक बैटरी है जिसमें माना चित्र में परिपथ है, पहला वाला लिखेंगे परिपथ, माना चित्र में परिपथ है जिसमें एक बैटरी है और इसमें स्विच एस लगा हुआ है जो कि खुला हुआ है। जब स्विच एस को बंद किया जाता है तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है जो बिंदु ए पर जाकर I1, I2, I3 में बढ़ जाती है और पुनः बिंदु बी पर आकर आई धारा में परिवर्तित हो जाती है, यानी परिणामी जो धारा है वो आपका आई है। दोस्तों ये आपको लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे क्या, परिणामी धारा, आप ये लिख लीजिए दोस्तों, परिणामी धारा I बराबर क्या होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। अब ओम के नियम से मैंने आपको जस्ट अभी बताया श्रेणी क्रम में, ओम के नियम से क्या होता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, I बराबर V बटा R। तो है क्या कि जो भी आपका I है उसमें आप V बटा R को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा वर्ड लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, और इसके बाद आप लिखिए फ्रॉम वन से, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका I का मान क्या है, V/R। तो क्या लिखेंगे आप, V/R, दिस इम्प्लाइज, और यहाँ पर I1, I2, I3 है, तो फिर I पहले I का मान लिख लीजिए क्या है, V/R प्लस V/R। अब देखिए I1 का मान, और यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ पर 3 लगा लीजिए रेजिस्टेंस के लिए, 1, 2, 3। फिर आपका ये है, आपका देखो V है तो V/R है तो R, और ये तीनों भी है, तो भी को हम लोग क्या करेंगे कमन, और कमन काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो एक से गुणा करो भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 बटा क्या हो गया R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब ध्यान देना कि बराबर दोनों तरफ सेम सेम क्या होता है, कट जाता है, तो भी से भी क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या है आपका एक मरतबा में कटा है, एक बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इस तरह बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और ये आप लिख लेंगे, यदि समतुल्य प्रतिरोध, अब ये कुछ भी पैरेलल है, समानांतर क्रम है, दोनों क्या लिखेंगे आरपी हो तो बस R की जगह वो क्या कर लेना है RP, तो आपका है क्या 1/RP बराबर क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या हुआ, समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध।
तो ये समानांतर क्रम जुड़े प्रतिरोध संतुलन के प्रतिरोध का व्यंजक है। और एक लाइन आप नीचे और भी लिख सकते हैं कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम युगफल के बराबर होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम युगफल के बराबर होता है। और न्यूमेरिकल की बात करें दोस्तों, तो प्रतिरोध को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। और आपका है क्या कि अगर समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो उसमें आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, मतलब न्यूनतम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो न्यूनतम प्रतिरोध किसे प्राप्त होगा? सब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन से। और अधिकतम प्रतिरोध किसे प्राप्त होगा? दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन से। तो हमें घर की व्यवस्था जो है किसमें करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न हो, तो समानांतर क्रम में घर की जो है वायरिंग करनी चाहिए कि कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न होगा, धारा का मान ज्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आई को डिगे वी बाई आर, देखिए आर जब अगर कम होगा तो भी आई क्या होगा, ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और आर ज्यादा हो गया तो भी क्या हो, आई क्या होगा, कम हो जाएगा। ये नीचे से क्या चलती है, दुश्मनी, और ऊपर से चलती है दोस्ती। और आई ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा।